handsome guy. Best of my best story. World language. Really? Yes. Yeah. क्या बोला क्या तो फिर कोई मेरी शादी लगा दो कर लो ना प्लीज ढूंढो प्लीज ढूंढो अरे बाहर 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 वो गेट गेट के पास शादी लगा दो आदिल के साथ शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया हाँ बाहर जा रहे हैं गाना तो गाने दो पहले मैंने आदिल को स्टार बक्स में बुलाया है किस लिए बुलाया शादी का ख्याल आया है आखी जी हाँ बोलिए ना कल प्रीमियर में गए थे जनहित में जारी हाँ कैसी लगी लगी हो नहीं अभी तक क्या लगेगा सारी गलती हो गया देखिए मुझे फिल्म जनहित में जनहित में जारी बहुत अच्छी फिल्म लगी वुमेन ओरिएंटेड लगी मुझे मैं चाहती हूँ पूरे देश की दुनिया के लोग जाके वो फिल्म देखे इट्स अ मैसेज कि एक औरत को कितना सहना पड़ता है मैंने उस फिल्म में देखा यू नो इफ यू डोंट यूज कॉन्डम तो प्रेगनेंसी हो जाती है फिर प्रेगनेंसी के बाद बीमारी हो जाती है फिर मिसकैरेज हो जाता है और अभी पता चला कल फिल्म मैंने देखी तो जब मिसकैरेज होता है तो जान भी जा सकती है तो जान जाती है तो इसलिए कॉन्डम यूज करना जरूरी है एंट्री है सो गाइज आई मस्ट टेल यू आ जनहित में जारी जो फिल्म है नुसरत बारूचिया जो इसने बहुत अच्छा काम किया है जनहित में जारी नुसरत बारूचिया नुसरत बारूचिया 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 जनहित में जारी नुसरत बारूचिया नारी सब पे भारी वाओ वाओ दैट्स रियली एक नारी सब पे भारी मैं भी सब पे भारी हूँ नुसरत भी सब पे भारी है फिल्म में राज सेंडेलियार जो है इज माय ब्रदर राइटर उन्होंने आप जाके थिएटर में बैठ जाओ मैं कहती हूँ अगर आपके पैसे वसूल ना हो ना सारे पैसे आप मेरे से वसूल कर लो क्योंकि कल जो मैंने जितना हंसी हूँ थिएटर में फिल्म देखकर अगर आपके पैसे टिकट के वसूल ना हो आप मेरे से वसूल करना हाँ बहुत हंसी है वीडियो है मेरे हाँ दिखा दो इतना हंस उसके पेड़ दुख गया है ना मेरा जनहित में जारी इतनी अच्छी फिल्म लगी है ना आप इसको सिर्फ एक देश के लिए अच्छा मैसेज विमेन्स के लिए एक अच्छा मैसेज देखे घर घर की नारी सुरक्षित है तो उनका पति और उनके उनके हस्बैंड और उनके बॉयफ्रेंड भी खुश रह सकते हैं यू नो आप समझ रहे हो क्या हमारे आदिल भाई को कैसी लगी अरे तुम क्या दिखा रहे हो अरे नहीं वही दिखा रहे जो देख रहा है हाँ मैं कितना अरे नहीं यार अच्छा नहीं दिख रहा आदिल भाई तुमको कैसी लगी अच्छी थी मूवी वाज गुड नहीं मूवी मुझे बहुत कॉमेडी मूवी में और अच्छा मैसेज है जनता के लिए मूवी बहुत अच्छी है डायरेक्टर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है सभी एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है मैं कहती हूँ अगर तुम लोग ने ये दुनिया वालों ये तुमने फिल्म नहीं देखी तो कुछ ही नहीं देखा आप लोगों ने और ये मत सोचो कि एक लड़की कॉन्डम बेच रही है और ये कैसे बेच सकती है अरे वो उसका जॉब है गाइस और ऐसा जॉब तो कोई भी कर सकता है और आजकल भीख मांगने में शर्म करना चाहिए कोई भी जॉब करने में कोई शर्म नहीं है ना ईमानदारी का जॉब होना चाहिए एंड आई लव द नुसरत शी इज माय स्वीटहार्ट फ्रेंड और शी इज द बेस्ट जैसे अक्षय कुमार जी ने सैनिटरी पैड का फिल्म बनाई थी ना कितनी सुपरहिट हुई थी अक्षय कुमार ने बनाई थी मेल था तो अभी अगर फीमेल ओरिएंटेड बनती है कि वो एक कॉन्डम कंपनी में काम करती है तो अगर वो प्रिकॉशन के लिए देश की सुरक्षा के लिए देश की महिलाओं के लिए एक आवाज उठाती है और उनकी फैमिली में कितने दिक्कत होती है कि वो उनके घर की बहू सिर्फ एक कॉन्डम कंपनी में काम करती है अरे यार दिमाग अभी का दुनिया आगे हो गई यार अभी कहाँ तुम लोग जिंदगी में रहते हो क्या सोच है तुम्हारी सोच को बढ़ाओ कुछ दो अच्छे शब्द बोलोगे आप बोलो अच्छे बोलो हंसने से अच्छा है देश के लिए आप भी देश के नागरिक हो एक मैसेज दो देखो कोई भी काम जो होता है छोटा नहीं होता है औरत हर चीज कर सकती है ऐसा तुम कैसे क्यों सोचते हो कि ये औरत नहीं कर सकती ये मर्द कर सकते हैं ये यही करना है औरत
सिर्फ घर में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, औरत हर चीज कर सकती है। और ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एक मैसेज मिलता है सब लोगों के लिए, एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होता है, प्रोटेक्शन यूज करना है, उससे बहुत बहुत एडवांटेजेस होते हैं। अरे प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ऐसे वरना पांडे ये मतलब लड़कियों की जिंदगी के साथ मत खेलो। लड़कियों तुम लोग भी लिपस्टिक खरीदने जाते हो, ब्लश ऑन खरीदने जाते हो, ये खरीदने जाते हो, मेडिकल में जाके प्रिकॉशन खरीदो, हमेशा अपने पर्स में रखो। मैं अभी जाता हूँ पांडे देख ले। नहीं दिस इज सीरियस बिकॉज यू नेवर नो, एचआईवी से कितने पेशेंट आज उलझ रहे, उनके पास जाओ जाओ और आपको पता चलेगा कि वो एक हंसी के लिए वो तरस रहे, और वो हमेशा याद रख रहे काश मैंने एक गलती करने से पहले मेडिकल में जाके एक प्रिकॉशन का पैकेट खरीद लिया होता तो आज मैं एचआईवी पेशेंट यहाँ पे नहीं होता, और मैं भी कहीं जॉब कर रहा होता, मैं भी मर नहीं रहा होता, मैं भी एक अच्छी जिंदगी जीता। एक गलती से उसकी जिंदगी खराब हो। और हमारे देश में कितने करोड़ों लड़कियों के अबॉर्शन होते हैं देश में, जो सच्चाई में जीना, प्रैक्टिकल में जीना जियो। हा 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 क्या ये, क्या हा हा करने से पहले प्रिकॉशन खरीद लो। और हम लोग आज के नागरिक है और इसे कोई शर्म नहीं है, एंड आई लव दैट फिल्म। आज भी देखो बंदा प्रिकॉशन के नाम से पीछे हंस रहा है, फिल्मों में भी यही है, लोग सीरियस नहीं होते, सीरियस नहीं होते, जाके अबॉर्शन कराते हैं, फिर वो ही अपने बॉयफ्रेंड लेकर जाते हैं, फिर हजार बीमारियां हो जाती है, और फिर देखो जिंदगी में फिर यही होता है, फिर एक लड़की शादी करती है, फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर कहते मेरा बच्चा नहीं हुआ, गॉड बोले तूने वक्त से पहले ही कर लिया, क्या कर लिया, अबॉर्शन कर लिया, तो मैंने तो दिया था वक्त से पहले, तुमने अबॉर्शन कर लिया है ना, तो हमें प्रिकॉशन यूज करना है, अबॉर्शन नहीं करना है, जनहित में जारी जाके फिल्म देखो और अपने दिमाग का ताला खोलो, ओके।